रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सरकार की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है इंसानों की है. इंसानों को ही ऐसा सोचना चाहिए कि हम बुरे काम ना करें, हमारे जो नियम है हम उसको, कानूनों को फॉलो करें. मैं आज भी अगर अमेरिका में पास्ता बनता है तो उसके ऊपर मैं सेव और नमकीन डाल के खाती हूँ, तो एकदम इंदौरी मैं अपने आप को कहूँगी. जो हमारे अमेरिकन दोस्त हैं उनको भी मैं अपने शहर के बारे में बताती रहती हूँ कि इंदौर आप आओ और देखो कि इट्स लाइक क्लीनेस्ट सिटी, क्योंकि उनको वो कभी कभी पूछते हैं कि यू नो इंडिया में इतनी गंदगी है या गंदा हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप इंदौर आओ और देखो कि इंदौर में कितना चेंज हुआ है. नमस्कार, स्वागत है आपका द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में. और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका के जॉर्जिया तक में भारत का नाम जो है आगे किया है, गौरवान्वित किया है. और निश्चित रूप से जिस तरह की शख्सियत वे हैं, महिलाओं के लिए आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक पहचान बनी हुई है, परिचायक बनी हुई है. और महिलाओं की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं जहां एक और समाज में ये सोचा जाता है कि महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में आगे नहीं जा सकती या फिर महिलाओं का जो दायरा है वो काफ़ी सीमित है, ऐसे में इस तमाम सारे जो लोगों की सोच है और तमाम सारे बिंदु इन्हें चीरते हुए आज पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम किया है. आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं मिसेज अभिरुचि जैन, जो अटलांटा अमेरिका में रहती हैं, और मिसेज भारत जॉर्जिया का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है और कहीं ना कहीं भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे विश्व में अपना नाम किया है. मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. और बस यही जानना चाहेंगे कि शिवपुरी के पास आपका गाँव है, वहाँ से आप इंदौर आए पढ़े और फिर अमेरिका के जॉर्जिया में एक कंपटीशन होता है जहां आप जीतते हैं और पूरे देश का नाम गौरवान्वित करते हैं, किस तरह का ये पूरा सफर रहा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शुरुआत ब्यूटी पैजेंट ज़रूर मैंने जीता है, पर मेरी शुरुआत बहुत साधारण सी हुई है. मैं शादी के तुरंत बाद अमेरिका गई, वहाँ पे मैंने ब्यूटी पैजेंट का खिताब जीता है. वहाँ पे मेरी एक सहेली है, उसने मुझे एक दिन बताया, चर्चा की कि ये ऐसी प्रतियोगिता हो रही है. तो मैंने पहले तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मतलब मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बट मेरी सहेली ने बोला कि नहीं नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम जाओ आगे बढ़ो और तुम जीतोगी देखना. तो मैं, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आया और उसने मुझे मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैं गई और वो प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही. मैंने टैलेंट राउंड में भी बेस्ट टैलेंट का अवार्ड जीता. वहाँ पे मैंने डांस परफॉर्म किया, वो सभी को बहुत पसंद आया. मेरे क्वेश्चन आंसर राउंड सभी को बहुत पसंद आया. पर जैसे कि आपने बोला कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं बता दूं कि मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, शिवपुरी. शिवपुरी के पास एक प्लेस है खनियाधाना, वहाँ 7th स्टैंडर्ड तक, 7वीं कक्षा तक मैंने पढ़ाई वहीं की है. और मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी वहाँ पे. और फिर 7th स्टैंडर्ड के बाद मेरे फादर जो कि बैंक में थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ शिवपुरी. और शिवपुरी में हम आए 7वीं कक्षा में, तो उन्होंने मुझे, उनका ये सपना था कि मैं आगे बढ़ूँ और पढ़ाई करूँ, तो उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते थे. तो वो उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला. मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी उस समय, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी अपने गांव में. और जैसे मैं शिवपुरी आई, मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. मुझे अंग्रेजी का एक शब्द समझ नहीं आता था. मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की, वहां अंग्रेजी की पढ़ाई की और अंग्रेजी सीखी और मास्टर कर लिया. एक साल में मुझे इंग्लिश आने लग गई और फिर उसके बाद मैंने अपनी शुरुआत ऐसे की है. वहाँ से मुझे इंग्लिश आई तो मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए सारे सब्जेक्ट्स में. फिर मैं इंदौर गई,
और इंदौर में मैंने अपनी यहीं इंदौर डीएवीवी स्कूल ऑफ लॉ से मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई की, अभी एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर्स लॉ कोर्स जो होता है. फिर मैं उसके बाद एलएलएम करने गई सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे, वो वहाँ पे मतलब वन ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स कंट्री का है, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया और वहाँ मैंने फिर अपना 1 साल एलएलएम किया. फिर उसके बाद मैंने 2 साल मैट्स लॉ स्कूल रायपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ रह के वहाँ बच्चों को पढ़ाया और फिर स्टूडेंट्स ने भी वहाँ बहुत प्यार और सम्मान दिया. और उसके बाद मैं मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं अमेरिका चली गई और वहाँ फिर मैंने ये प्रतियोगिता जीती. तो वही बहुत कठिन था, छोटी से गांव से निकल के अमेरिका तक जाना और फिर वहाँ पे पैजेंट जीतना अपने आप में, क्योंकि आप जब छोटी जगह से रहते हो आप में कॉन्फिडेंस कम रहता है, आपको लगता है इतनी बड़ी जगह जाके आप कैसे इतने लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे. बट आई थिंक मेरी शिक्षा थी और मेरे फादर का कांस्टेंट मोटिवेशन रहा जो मुझे इस चीज़ में उन्होंने बहुत बढ़ाया. वो चाहते थे लड़कियां पढ़ें, मेरी बच्ची पढ़े आगे बढ़े, तो आई थिंक उन्हीं का मोटिवेशन और सपोर्ट है जो आज मुझे ये अवार्ड मिला और ये पोजीशन टाइटल मैंने हासिल कर पाया है. अभिरुचि जी, ये जानना चाहेंगे कि आपको मॉडलिंग के क्षेत्र में तो एकदम से जाना हुआ आपका, लेकिन मॉडलिंग के प्रति क्या बचपन से कोई लगाव था? और जैसे डांसिंग की आपने बात की, डांसिंग का आपको शौक भी है, तो क्या ये बचपन से ही शुरुआत हो गई थी इस चीज की? जी हाँ, मेरे फादर बचपन से ही उन्होंने मुझे डांस क्लासेस जो हमारे गांव में ही होती थी, मेरी बुआ की बेटी बहुत अच्छा वो डांस सिखाती थी, तो मेरे घर से ही डांस की शुरुआत हुई है. आपको तो पता है इंडियन कल्चर में डांस अपने आप ही हर जगह हम लोग डांस कर शादी हो या पार्टी हो डांस करते ही हैं. तो मेरे पापा को लगता था कि जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो रहा है मेरी बेटी आगे जाए डांस करे. स्कूल में डांस करती थी तो वही मैंने अपनी बुआ की बेटी से डांस सीखा और वहीं उन्होंने कुछ स्टेप सिखाए और फिर वहां से मेरी डांस की शुरुआत हुई. तो बचपन से मैं लकी रही कि मुझे ऐसी शिक्षा मिली, डांस में ट्रेनिंग मिली, वो भी मेरे फादर की ही बदौलत था कि वो चाहते थे कि मैं करूं डांस. और मॉडलिंग का तो मेरा एज सच बचपन से मैं नहीं कहूँगी कि इतना कोई क्रेज था मॉडलिंग का, बट हाँ मुझे हमेशा से मूवी स्टार्स और उनको जितना प्यार और सम्मान और जो भी लोग इतना प्यार देते हैं और मैं भी बहुत मूवीज देखती ही थी तो मुझे अच्छा लगता था स्क्रीन पे आप इमोशनली इतने लोगों को साथ में बांधे रखते हैं एक मूवी के थ्रू, तो वो मुझे हमेशा से उसकी तरफ लगाव था. बट मेरी एजुकेशन प्रायोरिटी थी, कभी मैंने मॉडलिंग का ऐसा सोचा नहीं. बस हाँ ये ज़रूर मन में था कि मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँ कि मैं मेरा ये सपना ज़रूर था बचपन से कि मुझे भारत देश का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना है, अपने शिवपुरी अपने गांव खनियाधाना का नाम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, वहां लोग जाने की ऐसी भी जगह है ऐसे भी लोग हैं, ये ज़रूर सपना था. पर ये नहीं पता था कि ये सपना इस प्रतियोगिता के जीतने की वजह से ही इस तरीके से पूरा हो सकता है. जी एक ऐसा देश जहाँ पर भारत के लोगों को जो है तादाद तो है लेकिन बहुत कम है, और निश्चित रूप से जब हम किसी दूसरे देश में होते हैं तो हमारा एक अलग वहाँ पर व्यक्तित्व होता है. कैसा लगता है जब भारत की तरफ से आप लोगों से मिलती होंगी, आप भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसा रिस्पॉन्स होता है वहाँ के लोगों का? जी बहुत, अमेरिका में लोग जितने भी लोगों से मैं मिली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जागरूकता उनको रहती है कि कैसे होते होंगे, कैसा कल्चर रहता है अमेरिका में. लोगों बोलते हैं कि भारत में कैसे लोग रहते होंगे, कैसा कल्चर रहता है वहाँ पे, आप लोग एक दूसरे के साथ इतने प्यार से, तब फैमिली बॉन्डिंग कैसे है आपका. उनको ये लगता है कि जो हमारी शादियाँ इतनी ग्रैंड इंडिया में शादियाँ होती हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आप लोग की शादी में इतने सारे मेहमान आते हैं. और इनफैक्ट उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे इंडिया के बारे में कि आपके यहाँ गंगा रिवर है तो वो रिवर मतलब कैसे आप लोग इस उस रिवर में जो लोग नहाते हैं, तो उनके क्वेश्चंस रिलीजियस क्वेश्चंस भी होते हैं, धार्मिक क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत सारे. तो वो जागरूकता रहती है और वो लोग हमें बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल भेदभाव मैंने नहीं देखा अमेरिका में भारतीयों के लिए हो रहा है, कुछ भी नहीं. वो लोग बहुत अच्छे से हमें अपने कल्चर में मिक्स करते हैं, इनफैक्ट वो जानना चाहते हैं कि हम हमारा कल्चर कैसा है. जी
मैम ये जानना चाहेंगे कि मॉडल अभिरुचि जैन को तो खैर सभी जानते हैं, जब भी आप कहीं प्रेजेंट होती हैं लोग आपको देखने के लिए आते हैं मिलते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अभिरुचि जैन कैसे हैं और कैसे तमाम सारी चीजें मैनेज होती है घर एक बहू के रूप में अभिरुचि जैन, एक बेटी के रूप में और फिर एक मॉडल के रूप में? जी घर में मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, बहुत जुड़ी हुई हूँ, ग्राउंडेड हूँ, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरे फादर तो गुजर गए जब मैं लॉ कर रही थी, बट मेरी माँ है वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और मैं तीन बहनें हैं और एक छोटा भाई है मेरा, वो चौथी कक्षा में है। तो मेरा जो मायका वाला परिवार है वहाँ पे भी मैं हमेशा से बहुत चुलबुली और सबका ध्यान रखने वाली केयरिंग बेटी, मतलब सबकी चाहने वाली बेटी के रूप में जानी जाती थी। मेरी मम्मी बहुत प्यार दिया मुझे सभी ने, और यहाँ मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। इंदौर में मेरी शादी हुई है तो मेरे डैडी जी मम्मी जी दोनों डॉक्टर हैं, सुबोध बांझल जी, साधना बांझल जी, वो दोनों डॉक्टर हैं। मेरी एक ननद है सोनल, तो वो भी डॉक्टर है। तो उन लोगों, जब मैं इस घर में आई तो भी मुझे बहुत प्यार मिला, तो ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस पता लगा हो कि मैं मायके से ससुराल आ रही हूँ, मुझे अपने ही घर लगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो घर में भी, जैसे अभी अमेरिका में भी ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि मैं एक लड़की हूँ या वो लड़के हैं तो उन्हें वो वाला काम, यू नो, वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए। हम लोग इक्वल हैं, लड़का और लड़की हमेशा से बराबरी का हम लोग हकदार हैं। फैमिली में भी कभी खाने का होता है तो वो बना देते हैं, कभी मैं बना लेती हूँ, वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मेरी दोनों परिवार मुझे इक्वली उतना ही सपोर्ट मिला दोनों साइड से, वो यही चाहते हैं कि मेरे जो भी सपने हैं पूरे हों और मैं आगे बढ़ूं उस चीज को। बिल्कुल, इंदौर की आपने बात की, जो कि इंदौर में पढ़ाई हुई तो एक लंबा समय यहाँ रहा, फिर ससुराल भी यहीं है। इंदौर शहर को लेकर किस तरह से देखती हैं और इस शहर की कितनी याद आती है वहाँ? बहुत बहुत, मतलब इंदौर मेरी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रग रग में बसा है, इंदौर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं बोल सकती हूँ कि मैं टिपिकल इंदौरी हूँ, मुझे, मैं आज भी अगर अमेरिका में पास्ता बनता है तो उसके ऊपर मैं सेव और नमकीन डाल के खाती हूँ, तो एकदम इंदौरी मैं अपने आप को कहूँगी। इंदौर शहर बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। 5 साल जो मैंने आई थिंक इंदौर में रह के जो 5 साल स्पेंड किए अपने दोस्तों के साथ, यहाँ जो पढ़ाई की, वो मेरे जीवन का आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। उस समय मैंने जितना सीखा, उस समय ही मैंने आई थिंक फैशन को भी जाना, क्योंकि तब मुझे तो, जब आप कॉलेज में आते हो आप मेकअप वगैरह भी यूज नहीं करते, तो उस समय ही मैंने जाना, देखा यहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, यहीं आके मुझे आई थिंक एक्सपोजर मिला है। क्योंकि शिवपुरी में मैं जब तक थी तो सिर्फ मैं घर में ही, घर के अंदर ही थी और पढ़ाई कर रही थी, पर यहाँ जब आप बाहर आते हो आप देखते हो चीज़ों को, तो मैं पूरा अपनी सफलता का क्रेडिट एक तरह से इंदौर को अपने डेवलपमेंट में बहुत भागीदारी समझती हूँ। इस शहर को, इसने मुझे बहुत ग्रूम किया है इस शहर ने। बिल्कुल, वहाँ चूंकि इंदौर अभी लगातार 2 बार से क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का, तो कहीं ना कहीं इंदौर का नाम भी क्या वहाँ तक सुनाई देता है खबरों में या किसी न किसी तरह से? ऐसा मैंने वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं, मैंने बहुत सारी इंदौरी वहाँ पे भी हैं, तो हम जब भी मिलते हैं तो इंदौर के बारे में बात करते हैं कि कितना क्लीनेस्ट हो गया है वहाँ पे शहर। और जो हमारे अमेरिकन दोस्त हैं उनको भी मैं अपने शहर के बारे में बताती रहती हूँ कि इंदौर आप आओ और देखो कि इट्स लाइक क्लीनेस्ट सिटी, क्योंकि उनको वो कभी कभी पूछते हैं कि यू नो इंडिया में इतनी गंदगी है या गंदा हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप इंदौर आओ और देखो कि इंदौर में कितना चेंज हुआ है। ये अब इंदौर अभी मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ चेंजेस काफी, क्लीनेस्ट सिटी का जो है वो दिखता है सामने कि सफाई अभियान और हुआ है इंदौर में, तो डेफिनेटली। अभिरुचि जी, ये जानना चाहेंगे कि बहुत छोटा सा गांव था जहाँ से आप आई हैं, खनियाधाना, फिर इंदौर जैसा शहर, भारत की जो संस्कृति है वो, और अब अमेरिका के एक शहर में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं महिला होने के नाते क्या कोई अंतर महसूस होता है कि भारत के घरों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति और वहाँ की महिलाओं की स्थिति में कोई अंतर है, या वाकई जो महिलाओं की स्थिति है उसमें किस तरह से और सुधार किए जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, अंतर तो दिखता है भारतीय महिलाएं और वहाँ की महिलाओं में। मुझे लगता है कि अंतर सिर्फ
थोड़ा सा सोच का है, जो हमारे यहाँ सोच है कि लड़का और लड़की बराबर नहीं है एक तरह से। आज भी आप देखेंगे, मैं हर जगह हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, पर इंडिया में एकदम विलेजेस में अगर आप जाएं कुछ घरों में स्टिल पैट्रियार्कल है, जहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं फीमेल को और उनको पावर नहीं रहते हैं अपनी खुद की, विमेन को ही अपनी लाइफ का पावर नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है अपने हस्बैंड या यू नो अपने फादर की। बट मैंने अमेरिका में जो देखा है, अमेरिका में विमेन बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ पे उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि उनको क्या करना है, अगर उनको करना रहता है तो उनकी फैमिली उनको अलाउ करती है। तो जो एक सोशल स्टिग्मा है हमारे यहाँ, सोशल स्टिग्मा नहीं बोलूँगी, एक सोच है, आई थिंक बस वही बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि टैलेंट आप देखेंगे इंडिया में औरतों के पास जितना टैलेंट है, टैलेंट में कोई कमी मैंने अंतर महसूस नहीं की है जो अमेरिका में है या इंडिया में है। टैलेंटेड दोनों ही विमेन बहुत टैलेंटेड हैं, बस हमारे यहाँ ये है कि इन विमेन को, हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनको घर के बाहर आने की ज़रूरत है, जो गांव में है उनको उनका सपोर्ट चाहिए, उनको बस अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। जैसे मैं भी एक गांव से आई हूँ, मुझे मेरे, अगर मुझे नहीं लगता अगर मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते तो मैं आज इस मुकाम पे होती, आज शायद मैं उसी गांव में होती, वहीं रह रही होती या वहीं मेरी शादी हो गई होती। बट मेरे पापा ने मुझे शिक्षा दी, मुझे आगे बढ़ाया और उनका एक सपोर्ट सिस्टम रहा तो मैं आगे बढ़ी, और आज मेरे हस्बैंड का मेरा सपोर्ट है कि तुम करो, तुम्हें जो करना है मैं हूँ। तो वो एक लड़कियों के लिए मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, भारतीय महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की। हाँ, आपको फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है, अगर वो सपोर्ट आपके पास है आई थिंक महिलाएं, हमारी भारतीय महिलाएं तरक्की करेंगी दुनिया में और आगे तक जाएंगी, अमेरिका में भी या दुनिया में अपना नाम बनाने की दम रखती हैं आज की महिलाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोजाना जिस तरह की खबरें हम लोग सुनते हैं महिलाओं के साथ, खासकर रोजाना जो घटनाएं होती है, कितना दुख होता है इस तरह की चीजें सुनकर, और क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं महिलाओं की सेफ्टी को लेकर और अधिक कदम उठाए जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, दुख होता है सुन के कि हमारे यहाँ जो जैसे रेप केसेस हो गए हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस या दहेज को लेके केसेस जैसे देखती हूँ मैं, तो लगता है कि हाँ गवर्नमेंट को इनके लिए स्टेप्स लेना चाहिए। बट मैं लॉयर हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ लॉज तो हैं, लॉज में कोई कमी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार एक लॉ बना सकती है, बट उस लॉ को फॉलो किसको करना है? उस लॉ को फॉलो तो आपको इंसानों को ही करना है, पर जब तक सिर्फ लॉ किताबों में ही रहेगा, इंसान आके फॉलो नहीं करेंगे उसको। जैसे अब डॉरी का कानून बना दिया, दहेज के लिए कानून बना दिया, पर अभी भी आज भी आप अगर दहेज के लिए डिमांड कर रहे हैं या कोई भी आप ऐसे जो लॉ हैं और उसके विपरीत जाके कुछ कदम उठा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सरकार की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है इंसानों की है। इंसानों को ही ऐसा सोचना चाहिए कि हम बुरे काम ना करें, हमारे जो नियम है हम उसको, कानूनों को फॉलो करें, तो अगर वो कानून फॉलो करेंगे उनमें चेंज आएंगे अपने आप में स्वाभाविक, अगर वो बदलाव लाएंगे तो आई थिंक फिर बदलाव होगा। सिर्फ कानून बनाने से या सरकार बदलने से या अच्छी सरकार आने से बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, क्या लगता है अभिरुचि जी, अटलांटा में आप रहती हैं लेकिन मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़ाव है, क्या अभी कोई ऐसा ऑफर वहाँ की इंडस्ट्री या फिर भारत की इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मॉडलिंग के बाद सीधा बॉलीवुड या टेलीविजन इंडस्ट्री की ओर होता है, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? जी अभी तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं उतना आगे का कभी सोचती नहीं हूँ, जो मेरे रास्ते में आता जाता है मैं करती जाती हूँ। तो अगर मेरे रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आएगी, अगर मेरी किस्मत कोई अच्छा ऑफर लेके आएगी तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। और मैं अपॉर्चुनिटीज़, मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रही हूँ, एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार के साथ चीज़ें करती हूँ, और कोई भी मेरे सामने अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो मैंने उसको करना चाहा है। जैसे ये पेजेंट की अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैं जस्ट गई, और फिर जीतना ना जीतना वो डेस्टिनी थी या वो मेरा परफॉर्मेंस था, बट मैंने अपॉर्चुनिटी ली। ऐसी अगर कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं लेना चाहूँगी, बट मैंने ऐसा अभी कोई प्लान उसका नहीं किया है कि
क्या आगे होने वाला है। चलते चलते बस यही जानना चाहेंगे कि हमारा जो पोर्टल है टैलेंटेड इंडिया, इसके माध्यम से देश के लाखों जो युवा हैं वो आप जैसे लोगों से रूबरू होते हैं, देश के उन युवा लोगों के लिए और खासकर लड़कियों के लिए जो अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, क्या मैसेज रहेगा? जी, आपका पोर्टल टैलेंटेड इंडिया बहुत ही अच्छा पोर्टल है। ये हम लोगों की जो बात है वो इतने सारे ऑडियंस तक पहुंचाने का, जनता तक पहुंचाने का, क्योंकि मुझे लगता है यही एक माध्यम है, मीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग जानते हैं आपको और उनकी सोच में बदलाव आता है। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, बस आप एजुकेशन जैसे शिक्षा लो और आगे बढ़ो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जिसके थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप सपने हर कोई देखता है पर पूरे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप शिक्षा नहीं लेते उस चीज को करने के लिए, आप एफर्ट्स नहीं करते। शिक्षा का मतलब है आप एफर्ट करो, आप जाओ और मिलो लोगों से, आप उचित शिक्षा लो, या फिर कुछ भी जो भी आप कर सकते हो, डांस है तो डांस सीखो, या आपको जो भी टैलेंट आता है वो करिए। और आपको आप पूरा फ्यूचर अपना प्लान नहीं कर सकते, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि आप मैं भी आज सोचूं कि आज से 10 साल बाद क्या होगा तो मैं नहीं बता सकती, बट मैं उन सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि आज आपके सामने जो आ रहा है उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, वो अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए। अगर कोई मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, जो भी कैपेबिलिटीज हैं उस कैपेबिलिटीज में ही आप अच्छा करो। अगर आप सिलाई कर सकते हो सिलाई करिए, अगर आप डांस कर सकते हो डांस करिए, अगर आप मॉडलिंग कर सकते हो मॉडलिंग करिए, अगर आप इंजीनियर हैं इंजीनियर बनिए, कुछ भी करिए बस अच्छा करिए। तो यही मेरी एक मैसेज है कि भारत के लोग आगे आए, अपने देश का, अपनी धरती का, अपने गांव का, अपने शहर का, जहां भी आप रहते हैं उसका नाम रोशन करें, क्योंकि आपने जहां से शिक्षा ली है वहां वो आपको हमेशा वही चीज रिप्रेजेंट करनी चाहिए कहीं भी जाएं। आज मैं भी अगर मैं अमेरिका में भी हूँ तो मैं इंडिया या अपने गांव को नहीं भूलती, मैं यहाँ पे भी आके जितना बेस्ट कर सकती हूँ वो करती हूँ। तो आपको आई थिंक आज के यूथ को स्पेशली बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप अचीव कर रहे हैं ग्रेट हाइट्स बट आप ग्राउंडेड नहीं है, आप में वो एटीट्यूड और ईगो आ जाता है कि है ना हम ये बन गए। तो नहीं, आप जाइए कुछ करिए लोगों के लिए, ग्राउंडेड रहिए, और आई थिंक वो जो एक नेचर है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो ये थी मिसेज अभिरुचि जैन, जिन्होंने महिलाओं को लेकर अपनी बात रखी, जिन्होंने निश्चित रूप से इस संभावना को जताया कि यदि महिलाएं मेहनत करें अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं सफलता उन्हें मिल सकती है। अपने देश का जिस तरह से वे नाम कर रही हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व में उनके माध्यम से इसी तरह से गौरवान्वित होता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो प्रयास अपने देश को लेकर अपनी भूमि को लेकर उनके हैं वे प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।